रायगढ़ जिले में पति के दाह संस्कार के बाद पत्नी लापता है। उसका चश्मा, साड़ी और चप्पल चिता के पास ही पाए गए हैं। इसके बाद महिला के बेटे का कहना है उसकी मां पिता के साथ चिता में जलकर सती हो गई। मामला चक्रधर थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस महिला की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। अभी तक महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। चिटका कानी में रहने वाले जयदेव गुप्ता, उम्र 65 साल, की कैंसर की वजह से रविवार को मौत हुई थी। उसके बाद शाम करीब 5 बजे उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। रात करीब 11 बजे परिजनों ने देखा तो जयदेव की पत्नी गुलाबी गुप्ता 57 वर्ष घर से गायब थी। इस पर परिजनों ने इसकी तलाश शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद परिजन आशंका के चलते शमशान घाट पर पहुंच गए। वहां जयदेव की चिता के पास ही गुलाबी का सामान पड़ा हुआ था। ऐसे में परिजनों का कहना है महिला की पति की चिता में जलकर शायद मौत हुई है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम और डार्क स्कैड के साथ पुलिस मौके पहुंची। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। चिता से कुछ अवशेष भी जांच के लिए निकाले गए हैं। बारीकी से पुलिस हर पल पर जांच कर रहा है। SP दिव्यांग पटेल के मुताबिक गुलाबी गुप्ता रात 11 बजे घर में थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। अंतिम संस्कार शाम 5:30 बजे उसी दिन किया गया था। जयदेव गुप्ता के बेटे सुशील गुप्ता ने बताया कि पापा कैंसर से पीड़ित थे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। सोमवार को उनकी जान चली गई। पिता का अंतिम संस्कार शाम को किया गया। उसके बाद मां रात ने घर से बिना किसी को कुछ बताए कहीं चली गई है। आसपास तलाश किया गया लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पिता के चिता के पास जाकर देखा तो उनकी साड़ी, चश्मा और चप्पल वहीं पे पड़ा हुआ है। फिलहाल इस मामले का असली वजह क्या है और पीड़िता की मां कहां गई, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। घर में नहीं थी, उसके बाद हम लोग अड़ोस पड़ोस फिर आगे पीछे सब देखे, उसके बाद फिर नहीं मिली। उसके बाद फिर गांव वाले भी सब कोई मना हेल्प किए, वो लोग फिर जाके देखे वहां, तो वहां उसी में जहां उनका मना था, चीता था। क्या लगता है आपको, मां सती हो गई? हाँ, अब वो तो पूरा सती हो गई। अभी तक जो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि श्री जो जयदेव गुप्ता जी है उनको करीब शाम को 5:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया था, और जो माता जी जो गुलाबी गुप्ता जी है वो करीब 10:30-11 बजे तक अपने घर में ही थी। 11 बजे के बाद वो कहीं गए हैं, तो उसके बाद क्या क्या घटना हुई है उसकी पूरी जांच की जाए।